अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, जैसा कि एक बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड, वो जो आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप खुद ही सुन लीजिएगा कि वो हिंदू औरत जो है, वो हिंदू बहन जो है, वो हिंदू लेडी जो है, वो क्या बोल रही है, कितना बोल रही है और किस लेवल पे बोल रही है। ये जो हमेशा आके बोलते रहते हैं आरएसएस और बीजेपी के कुत्ते के बच्चे, उनको ये चीज मैं दिखा दूं, मैं अगर सिर्फ आप लोगों को टारगेट करता हूं ना, तो आप लोग वजह, आप लोगों के ऊपर मेन पॉइंट है, आप लोगों के ऊपर मेन इश्यू है, आप लोगों की मेन बगैरतियां हैं, मेन कुत्तापन है, मेन हरामियों वाले काम है तुम लोगों के। इसीलिए मैं तुम लोगों को भगवा आतंकी कहता हूं, आरएसएस और बीजेपी के कुत्तों को। तो इसलिए ये वीडियो भी दिखाना जरूरी है। हिंदू लेडी हैं, हिंदू लड़की हैं, हिंदू ओल्ड लेडी हैं, जिनकी बातें सुन के आप लोगों को जलन तो बहुत सारी होगी, वो किसको होगी, मुस्लिम को होगी या हिंदू लोगों को होगी, वो उसकी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। तो वीडियो देखें और फिर एंड में मुझे भी दीजिएगा इजाजत, वीडियो देखें फिर उसके बाद छोटी सी बात करेंगे, वीडियो को एंजॉय करें। हकीकत बताना चाहती हूँ इस्लाम धर्म की। जी जी जी। जो सच्चाई इस्लाम धर्म में वो किसी धर्म में नहीं है। जी जी। आपको क्या खासियत लगी इस धर्म में? इस धर्म में सच्चाई, ईमानदारी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस धर्म को बदनाम किया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये गलत बदनाम कर रहे हैं मोदी जी। जी, कुछ लोग कोरोना का सहारा आरोप मुसलमानों पर आ रहे हैं। नहीं, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का कहर है। बीमारी जो आती है इंसान धर्म देख के दौड़ी आती है, ना तो मजहब देख के आती है, तो सब पे आती है, सबको आती है बीमारी। और बीमारी जो बदनाम करा जा रहा है मुसलमान से, कि मुसलमान से शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जो विदेशों में मेंढक जो पी रहे हैं लोग, जी 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 जी, जो उसका जूस पी रहे हैं मेंढक का, जी जी जी, तो उससे बीमारी फैली। और अच्छा, हम तो अच्छा। ये कहेंगे बीमारी किसी चीज़ से नहीं फैली, ये अल्लाह का कहर चीन से है। क्यों? कि उन लोगों ने नकाबे उतारी नहीं, बुरके कटवाए, आज दरगाहों पे ताले लग गए, इस वजह से लगवा दिए लॉक। इसको लेके तो मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी। ये अच्छा नहीं करता। आप दरगाह पे हाजिरी देती है? जी जी हाँ, मैं दरगाह पे, मैं बस क्या बोलूँ मैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने अच्छा नहीं करा। आप जैसे लोग अगर देश में हो तो आपसी सद्भाव बना रहे जी, और आपसी भाईचारा बना रहे जी। थैंक यू। भाईचारा तो बनाए में है, तभी तो चुप है कुछ लोग, मगर माहौल खराब कर रहे हैं देश का। कुछ लोगों ने माहौल तो, कुछ लोगों ने क्या है, हिंदू भी बड़ा होशियार आदमी है, हिंदू बहुत होशियार आदमी, चुप है, पर ये इसकी काया को नहीं समझ रहे हैं कि इस्लाम धर्म की ताकत। अच्छा। अल्लाह रसूल को सब देख रहे हैं, थोड़ी ढील दे रखी है जी, जी, मोदी को, और मोदी जी, का वो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, इस टाइम मैं प्रधानमंत्री के ही साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने भाजपा को जिताया है, बहुत मेहनत करी भाजपा के लिए। जो भाजपा ने या किसी भी पार्टी ने बदनाम कराया जो इस्लाम धर्म को, वो गलत करा। ओके जी मेरे भाई, वीडियो आपने देख लिया है, जो कि इस लेडीज ने, हिंदू लेडीज ने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट लफ्जों में जो आपका मोदी चाय वाला और काला दोष और मोटा गेंडा सांड जो, जिसको मैं बोलता हूँ, ये जितने भी भगवादारी के एक ही कलर के कुत्ते के बच्चे हैं, तो ये सारे उन्हीं को इसने बहुत अच्छे से टारगेट किया है, इस हिंदू बहन ने। मैं इनका बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन इस वीडियो को मेरे जितने भी भाई हैं ना, ये मुस्लिम खास करके, जो अपना हक अदा नहीं कर रहे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ऐसी वीडियो को मेरी ना किया करो, लेकिन ऐसी चीजें आपको मिले तो उसको जरूर आगे पीछे लोगों को दिखाया करो, ताकि इनको देखा देखी और भी जो अच्छे, मतलब करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, आवाज बनना चाहते हैं, उनको भी हिम्मत आए, हिंदू लोगों को, तो वो भी आपकी आवाज बने। बस अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूं। मेरे सारे भाई को, सारी भाई को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, भगवादारी आतंकी जो है, आ जाओ नीचे, अपने वक्त के मुताबिक भौंकना शुरू कर दो कुत्ते के बच्चों। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।